शोर कर रहे हो? मैंने कहा भाई मेरा घर लूटा गया। तो मुझे कहते हैं देखो चोर कितना शरीफ आदमी था, रात को बड़े आराम इत्मीनान के साथ आया, मोहल्ले के किसी आदमी को पता नहीं लगने दिया। और मौलवी साहब कितने बद अखलाक हैं कि चोरी हो गई है तो सारे मोहल्ले को सर पर उठा रखा है। भाई खुदा के बंदो, चोर का चोर के तरीका है वारदात है, उसके फन का तकाजा है कि वो आराम इत्मीनान के साथ आए। अगर इत्मीनान के साथ ना आए तो वो चोरी ही नहीं कर सकता। कादियानियों की जितनी जाहिरदारी है, भले लोगों आपने सांप को देखा होगा कितना खूबसूरत होता है, कितना रंग बिरंगा होता है, कभी उसकी चमड़ी के ऊपर हाथ फेरे तो इससे ज्यादा मुलायम चीज भी आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन जिस वक्त वो कमाल चाबुक दस्ती के साथ डंग मारेगा, पता फिर चलेगा कि इसके इस चमड़ी के अंदर कितने फितने जो है वो इसके अंदर खुफिया थे। मैं आप दोस्तों की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, कोई कादियानियों में अखलाक नाम की कोई चीज नहीं। मेरे सामने बैठे कादियानी करें हिसाब, आज तक जितने कादियानी ने कादियानियत को छोड़ा और इस्लाम कबूल किया, हर कादियानी अपने कानों को पकड़ कर कहता है कि दुनिया जहान के कोबा खानों में उतनी बदी नहीं होगी जितनी कादियानियत के घरों के अंदर बदी है। और मैं ये इल्जाम नहीं लगा रहा, ये वाकयात है, इसके ऊपर मुस्तकिल हमारी लाइब्रेरियों के अंदर लिटरेचर मौजूद है और वो लिटरेचर कादियानी करम फरमाओं का लिखा हुआ है। और इस हद तक लिखा हुआ है कि कोई कादियानी करम फरमा आसानी के साथ उससे इनकार नहीं कर सकेगा। मेरे भाई मैं इस्तदा करता हूँ, एक दफा खूब हुई मुझे लगे कि एक साहब कहने लगे कि मौलवी साहब ये जो कादियानी है ना, ये तबलीग बड़े आराम और इत्मीनान के साथ करते हैं। मैंने कहा भाई चोर भी बड़े आराम और इत्मीनान के साथ आया करता है। तो उन्होंने कहा जी मौलवी साहब ये बड़े अखलाक वाले हैं। मैंने कहा वो जो बाजार में कोठे के ऊपर बैठी इज्जत बेचने वाली होती है ना, वो भी बड़े अखलाक वाली होती है। हर आने वाले के लिए बिस्तर भी बिछाती है और उसके साथ आंखें भी मिलाती है, आंखें मिला के वो उसकी जेब को साफ करती है। ये दाव लगा के तुम्हारे ईमान को साफ करते हैं, वो जिस्म फरोशी करती है, ये दीन फरोशी करते हैं, अखलाक उसमें भी नहीं, वो भी अपने एक फन पर लगी हुई है, ये भी अपने फन पर लगी हुई है। और मेरे भाई मुझे एक दोस्त कहने लगे कि मौली साहब ये जो कादियानी है हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ है, रहमत आलम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा बाकी इख्तलाफ में। तो कादियानियों ने कहा कि मौलवी साहब ये देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, अहल हदीस हैं, शिया हैं, इतने सारे फिरके हो गए तो ये सारे फिरके जो हैं ये मिलकर कादियानियों के खिलाफ हैं, तो हक्का फिरका कादियानी हुआ। मैंने कहा भाई ठहर जाओ, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कादियानी पैदा कब हुए? उसने कहा 14वीं सदी में। मैंने कहा 14वीं सदी से पहले कादियानी थे? उसने कहा नहीं। मैंने कहा हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का एक तबका होगा जो जन्नत में जाएगा, वो इन 13 सदियों में था या नहीं? 14वीं सदी का वही तबका होगा जो 13वीं सदी में भी हो, 12वीं में भी, 11वीं में भी, पहली में भी। जब कादियानी उन सदियों में नहीं था तो ये तो 73वां फिरका नहीं, 73वां फिरका जो निजात पाएगा वो वही होगा जो पहले से मौजूद हो, हुजूर के जमाने में मौजूद हो, सहाबा के जमाने में, अहल बैत में, पहली सदी में, दूसरी में, तीसरी में। कादियानी 14वीं पे पैदा हुए, ये पहली में नहीं थे, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं, दसवीं में नहीं थे, तो ये तो 73वां फिरका नहीं, इनको तो रखो ना एक तरफ, बाकी रहे 73 की बात मेरे साथ वो कर लो। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा भाई देखें, मैं बहुत ही दर्द, बहुत ही मौजखोरी के साथ खिदमत कर रहा हूँ आप दोस्तों की, बहुत सारे मसाइल जो जेर बहस आते हैं उनकी तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ। फरमाया एक शख्स कत्ल हो, उसका पर्चा दर्ज हो FIR का, अब दो वकील अदालत के अंदर खड़े होते हैं, एक वकील है सरकार की तरफ से, एक वकील है मुलजिम की तरफ से, एक है मकतूल की तरफ से। तीनों वकील खड़े होकर दलील देते हैं, कहते हैं कि कानून भी सही, पर्चा भी सही, आदमी भी गलत हुआ है, गवाह भी, आदमी भी कत्ल हुआ है, कत्ल का आला भी मौजूद है, वाकयात सारे सही है, मैं इनको तस्लीम करता हूं, लेकिन फुलां गवाह की इस बात से ये निकलता है कि इसे छोड़ दिया जाए।
दूसरा वकील खड़े होकर कहता है मैं ये समझा हूँ कत्ल भी सही है, पर्चा भी सही है, एफआईआर भी सही है, गवाही भी ठीक है, लेकिन फुलां गवाह की फुलां बात से ये साबित होता है कि मुल्ज़िम को सजा मिलनी चाहिए। दो वकील खड़े हैं, उसी कानून को पढ़कर एक वकील कहता है इसे फांसी लगनी चाहिए, एक वकील कहता है इसे छूटना चाहिए। दुनिया का कोई आदमी खड़े होकर ये नहीं कहता कि वकील आपस में लड़ रहे हैं। दुनिया का कोई आदमी खड़े होकर ये नहीं कहता कि जनाब ये जो है अपना क्या कहते हैं कानून आपस के अंदर लड़ रहा है। सारी दुनिया कहती है कि कानून की ताबीर है, कोई अपने अंदाज में कर रहा है, कोई अपने अंदाज में कर रहा है। ये जो है हजरत इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्ने हम्बल, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम सौरी या ये इमाम मोहम्मद या अबू यूसुफ, ये जितने आइम्मा हैं मोहम्मद अरबी के दीन के वकील हैं। ये हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मुबारक की ताबीर कर रहे हैं वो के 73 जहन्नम में जाएंगे। उनसे मुराद देवबंदी बरेलवी नहीं, उनसे मुराद हनफी शाफी नहीं, उनसे मुराद मालकी हम्बली नहीं, उनसे मुराद जो है ये अहले सुन्नत वल जमात नहीं है, उनसे अहले हदीस मुराद नहीं, उनसे फुला मुराद नहीं। मैं आप दोस्तों की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ ये सारे जितनी गुफ्तगू करते हैं ये सारे मिलकर एक तबका है और वो तबका है मोहम्मद अरबी की उम्मत का। वो जो है कि जो 73 होंगे 72 उनमें जहन्नम के अंदर जाएंगे वो लोग हैं जिनके मुतल्लिक हुजूर ने फरमाया कि नाम कुरान और सुन्नत का लेंगे मर्जी अपनी चलाएंगे, नाम दीन का इस्तेमाल करेंगे मर्जी अपनी इस्तेमाल करेंगे, कभी कुरान के नाम पर हदीस का इनकार करेंगे, कभी जो है अहल बैत के नाम पे सहाबा को गाली दी जाएगी, कभी कुछ किया जाएगा। खुद सहाबा से क्यों नहीं पूछते? जिस वक्त आपने फरमाया कि एक तबका जन्नत में जाएगा वो तबका कौन? ये पूरी उम्मत मिलकर ये एक गिरोह है। कौन? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह वो उनकी निशानी क्या है? फरमाया जो कुरान और सुन्नत की पर अमल करेगा वो तबका जन्नत में जाएगा जो मेरे और सहाबा इकराम के आमाल की पाबंदी करेगा। अब पूरी दुनिया में कोई हाथ भी हाथ छोड़कर नमाज पढ़ता है या बांध कर पढ़ता है, कोई आदमी जो है वो अपना सुबह को पढ़ता है या देर के साथ पढ़ता है, वो अरब के अंदर रहता है या अजम में, जो कुरान और सुन्नत को सहाबा की तालीमात की रोशनी के अंदर फॉलो करते हैं ये सारे मिलकर एक है और ये तबका इंशाल्लाह जन्नत में जाएगा। ये मफहूम है इसका, ये नहीं है कि इससे मुराद कादियानियत है। मेरे भाई इसी तरह कादियानी करम फरमा एक और भी धोखा देते हैं, और कादियानी अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमाए सिवाय धोखा देही के इनका काम और कोई नहीं रहा। एक दफा हमारे वहाँ क्या कहते हैं कौमी असम्बली में बहस चल रही थी, उस कौमी असम्बली में एक कादियानी खड़ा हुआ, अल्लाह ताला माफ करे, कौमी असम्बली में भी खूब हुआ था, हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब ने जनाब जुल्फकार अली भुट्टो को कहा कि भुट्टो साहब आप कानून पास करें जिसमें लिखा हुआ हो कि हुजूर के बाद जो नबूवत का दावा करे वो काफिर है। गुलाम अहमद ने नबूवत का दावा किया तो वो काफिर, और आईन के अगराज की खातिर इनको जो है वो अपना गैर मुस्लिम अकलियतों का जो चार्ट है उनमें कादियानियों का भी नाम लिख दिया जाए। भुट्टो साहब बड़े समझदार आदमी थे, कहने लगे मौलवी साहब आप कमाल करते हैं, आईन में भी किसी के नाम हुआ करते हैं? मुफ्ती साहब ने फरमाया हमारे पाकिस्तान के आईन में कायद आजम का नाम मौजूद है, तो आईन में नाम तो हुआ, वो अब्दुल हफीज पीर ज्यादा वो जरा तेज था, उसने कहा जी ये जो है गुलाम अहमद कादियानी इसका नाम लिखकर आप आईन को पलीद करना चाहते हैं। अब ये मुफ्ती महमूद साहब की दुखती रग पे उन्होंने हाथ रखा कि गुलाम अहमद का नाम लिखकर आप आईन पाकिस्तान को पलीद करना चाहते हैं, तो मुफ्ती महमूद साहब ने फरमाया कुरान मजीद में शैतान का नाम भी है खिंजीर का नाम भी है, खिंजीर का नाम आने से अगर कुरान पलीद नहीं हुआ तो गुलाम अहमद का नाम आने से पाकिस्तान का आईन भी पलीद नहीं होगा। अल्लाह ने खिंजीर का नाम लेके कहा है कि यह हराम है, तुम गुलाम अहमद का नाम लेकर कहोगे ये काफिर है। अच्छा तो वो थे खूब आदमी, उन्होंने कहा मुफ्ती
بھٹو صاحب بہت قومی رہنما تھے، بیدار مغز لیڈر تھا، ہمارا رہنما تھا، فوت ہوا ہے، اللہ اس کی قبر پہ رحمتوں کی بارش نازل کرے، قومی آدمی تھا۔ یہ ایک اور بات ہے کہ ساری زندگی اختلافات چلتے رہتے ہیں سیاست میں، کوئی سیاست حرف آخر نہیں، وہ ایک کیمپ میں تھے، ہمارے حضرات دوسرے کیمپ میں، لیکن اس کی صلاحیتوں کو مانے بغیر چارہ نہیں۔ تو انہوں نے فوراً کہا مفتی صاحب کو کہ مفتی صاحب، آج قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تم کہتے ہیں ان کو کافر قرار دو، کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرے گا آپ کہیں گے ان کو کافر قرار دیں، تو ہم کسی کا نام لکھنے کی بجائے ایک اصولی بات لکھ دیتے ہیں کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر، تو اتنی بات لکھ دیتے ہیں۔ مفتی صاحب نے فرمایا آپ خوب آدمی ہیں، میں کہتا ہوں میرے پیٹ کے اندر، میرے پاؤں کے اندر کانٹا لگا ہے، کانٹا نکال دو۔ آپ کہتے ہیں کہ میں لوہے کی جوتی تیار کرا دیتا ہوں کہ آئندہ کبھی کوئی کانٹا نہیں لگے گا، مجھے آئندہ کی نہیں چاہیے، یہ جو کانٹا لگا ہے قادیانیت کا اس کو تم نکالو۔ اس پر کا جس وقت یہ آئین کے اندر بات طے ہو گئی تو قادیانیوں نے کہا، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ آج تک ساری دنیا کے قادیانی یہی کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب غلام احمد کو ہم نبی نہیں مانتے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے گلاسگو کا، آپ کے انگلستان کا، آپ کے سکاٹ لینڈ کا، آپ کے یارکشائر کا قادیانی کیا مانتا ہے غلام احمد کو۔ میں بات کرتا ہوں خود مرزا غلام احمد قادیانی کی، اس کی کتاب کا نام بتاؤں گا، صفحہ بتاؤں گا، سطر بتاؤں گا، پرنٹنگ پریس بتاؤں گا، اور کوئی ایڈیشن بتاؤں گا، کوئی قادیانی کرم فرما قیامت کی صبح تک حوالے سے انکار نہیں کر سکتا۔ خود غلام احمد قادیانی ہے کہتا ہے کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی اتنی صراحت کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور بھائی صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا بلکہ یہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ، کہ وہ محمد الرسول اللہ میں ہوں۔ اب بیک وقت ایک آدمی لے آئے میری ساری گفتگو کو، سب سے پہلی گفتگو پر ایک آدمی بیک وقت کرشن ہونے کا بھی دعویٰ کرے، مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کرے، مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کرے، بیک وقت وہ ردر گوپال ہونے کا بھی دعویٰ کرے، محمد عربی ہونے کا بھی دعویٰ کرے، یہ سارے بیک وقت پانچ منصبوں کا مدعی ہو اور ہر منصب دوسرے منصب کے خلاف ہو، ظاہر ہے کہ کرشن محمد الرسول اللہ نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ جو کرشن تھا وہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم نہیں ہو سکتا۔ غلام احمد قادیانی تمام منصبوں کی معجون مرکب تیار کر کے پوری دنیا کو گھوٹا پلا کر بے ہوش کرنا چاہتے ہیں، خدا کے لیے بچایا جائے آنے والی نسل کو قادیانیت کے اس گھوٹے سے۔ میرے واجب الاحترام دوستو، آج تمام تر قادیانیت جو ہے مفروضوں کے اوپر کھڑی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے قادیانیوں کے پاس کہ دنیا کے کسی شریف انسان کو یہ اپروچ کر سکے۔ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، ہمارے ایک ساتھی تھے، حاجی صاحب فوت ہو گئے ہیں، کنری کے علاقے میں رہتے تھے، ارئی برادری کے ساتھ ان کا تعلق تھا، کام جو ہے وہ اپنا لوہے کو تیز کرنے کا، کلہاڑی بلاڑی بنانے کا کرتے تھے، مستری برکت، اچھا ہوا نام یاد آ گیا، مستری برکت صاحب ان کا نام تھا۔ ایک قادیانی گیا نا ان کے پاس اور جا کر اس نے باز کرنا شروع کیا، جی مرزا غلام احمد ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا۔ ہمارے مستری صاحب سنتے رہے۔ وہ قادیانی بیٹھا ہوا تھا اس پر، کیا کہتے ہیں، پھٹے پر، مستری صاحب نیچے تھے، تو جس وقت اس کی بات مکمل ہوئی تو یہ مستری صاحب اٹھے اور اس قادیانی کے یہاں پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگے کہ میں تمہیں بینچ سے نیچے اتار کے ایسی تمہاری لتڑیشن کروں گا کہ دماغ درست ہو جائے گا، ورنہ کہو مرزا کافر تھا۔ کہتا ہے جی خدا کی قسم کافر تھا۔ اس نے کہا کہ کہو مرزا ایسا تھا، اس نے کہا جی ایسا تھا، کہو ویسا تھا، اس نے کہا جی ویسا تھا، اس نے کہا ایسا کیسا، جیسا ویسا، اس نے کہا جی سب کچھ تھا، مجھے چھوڑ دو۔ اس وہی مستری برکت ان کے سامنے بیٹھ گئے اور اس قادیانی کو کہنے لگے کہ تو مجھے میرے گریبان سے پکڑ اور اس کا تار تار کر دے، میں تار تار ہو جاؤں گا، محمد عربی کی توہین کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے واجب الاحترام بھائیو، ہم دیکھتے